हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम ब्लू टिक आप कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको ओरिजिनल वाला ब्लू टिक लगाना नहीं सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम में आप फेक ब्लू टिक कैसे लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आपका इंस्टाग्राम पे 1 या 2 मिलियन प्लस फॉलोअर नहीं है तब तक आप ब्लू टिक ओरिजिनल वाले नहीं लगा सकते हो, अगर कोई आप सेलिब्रिटी नहीं हो तब तक। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फेक वाले ब्लू टिक अपने इंस्टाग्राम पे कैसे लगा सकते हो। तो चलिए भाई वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लेना दोस्तों, और वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई मोबाइल के स्क्रीन पे चलते, आपको कैसे लगाना है मैं आपको वो सिखाता हूँ। तो भाई आपको क्या करना है, मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद अपना क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर लेना है। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इस सर्च वाले आइकन में आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ये सर्च करना है, यूनिक लिंक डॉट बॉर्डर आपको सर्च करना है, ऐसा ही यूनिक लिंक डॉट बॉर्डर आपको सर्च कर देना है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं जैसा दिखाया हूँ वैसा ही आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको ये वाला वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अगर ये वाला वेबसाइट आपको नहीं मिलता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हो। आपको इस वाले वेबसाइट को आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इस तरह के इंटरफेस आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट फोटो पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने का कुछ परमिशन मांगेगा, तो दोस्तों इसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद कोई आपका जो फोटो जो इंस्टाग्राम पे आप डीपी रखना चाहते हो वो आपको प्रोफाइल फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद में थोड़ी देर ये लोडिंग होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी देर ये लोडिंग होगा, तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ चुका है। तो आपको क्या करना है, एक और ट्रिक मैं और बता देता हूँ आपको। ये प्रोफाइल लेयर है ना, आपको ये आपको रखना है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर दे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो स्टाइलिश प्रोफाइल। अगर आपको प्रोफाइल को स्टाइलिश दिखाना है तो आपको क्या करना है, इस वाले को आपको चूज कर लेना है। इस वाले के जब भी चूज कर लोगे दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ी देर और लोडिंग होगा, फिर से यहाँ पे लोडिंग होगा, तो थोड़ी देर वेट कर लेना है आपको। देख सकते हो भाई यहाँ पे मेरा लोड हो चुका है फोटो, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ब्लू टिक ऐड नहीं हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल लेयर ऐड हो चुका है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो चाहे वो प्रोफाइल लेयर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में इसमें ब्लू टिक लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ब्लू बैच यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको टिक मार देना है, इसमें आपको टिक मार देनी है। तो दोस्तों आप जब भी ब्लू बैच में यहाँ पे टिक लगा दोगे तो थोड़ी देर ये फोटो फिर से लोडिंग होगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा ब्लू टिक भी लग चुका है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर इस फोटो पे आपको प्रेस करके रखना है। उसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद इस प्रोफाइल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। जब भी क्लिक कर दोगे दोस्तों तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर अपने प्रोफाइल फोटो पे आपको प्रेस करके रखना है। जब भी प्रेस करके रखोगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, न्यू प्रोफाइल फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो फोटो आपने सेव करके रखे थे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा वो यहाँ पर फोटो है, वो सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फिर से आपको एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब भी एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका फोटो जो होता है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अपलोड होने के बाद मेरा यह प्रोफाइल लेयर भी लग चुका है और ब्लू टिक भी लग चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों बाय।